ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर हजार से भी ज्यादा निशान। GS Score. Hello everyone, I am Dr. Anjali Garg, AIR 79 for UPSC CAC 2022. So I did my schooling from Chandigarh, then I opted for medical science and I graduated from VMMC and Safdarjung Hospital, Delhi. And during my MBBS time, mereko interest develop hua UPSC mein, civil services mein to maine preparation start kiya. Aur internship ke time pe, maine apni duties ke saath साथ एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और उसमें मैंने बेसिक जीएस सिलेबस पढ़ लिया था। तो उससे क्या होता था, एक मेरे को समझ आ गया था कि अच्छा अच्छा ये सब्जेक्ट्स हैं। बट फुल फ्लेज्ड मैंने जब मैं 2020 में मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई उसके बाद जाके मैंने घर पे प्रेपरेशन पंचकुला में स्टार्ट किया। तो आज आई विल डील विद माई प्रिलिम्स स्ट्रैटेजी बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 132 इन प्रिलिम्स दिस टाइम। बट मेरा पहले जो मैंने फर्स्ट प्रिलिम्स दिया था उसमें मेरे कट ऑफ से जस्ट 3 or 4 मार्क्स ही ज़्यादा थे। तो वॉट आई डिड फॉर दिस प्रिलिम्स, तो उसके बारे में आई विल डील विद इट। तो प्रिलिम्स जो है वो काफ़ी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेज लगती है मेरे को यूपीएससी की, और काफ़ी टफ भी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे बहुत ज़्यादा एन्जाइटी होती थी रिगार्डिंग माई प्रिलिम्स प्रेपरेशन। तो उसके लिए शुरू में मेरे को गाइडेंस थी, एक मेरी सीनियर विशाली है उनसे थी। तो बेसिक जो बुक्स होती है अपनी, मैंने पहले तो वही की थी और साथ साथ में मॉक टेस्ट किए थे। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना मैनेज नहीं हो पाता है। सो एक बेसिक स्टैटिक नॉलेज से, मॉक्स करने से और उसके एनालिसिस से मेरा क्लियर हुआ था। बट दिस टाइम आई केप्ट अ वेरी मैनेज्ड अप्रोच फॉर प्रिलिम्स। तो क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता था कि यार कहीं प्रिलिम्स ना रह जाए, क्योंकि वो रह गया तो एक साल वेस्ट हो जाता है हमारा। तो उसके लिए मैंने डिटेल स्ट्रैटेजी आई प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 2.5 to 3 मंथ्स डेडिकेटेडली फॉर प्रिलिम्स। और ऐसा नहीं है कि हम वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रिलिम्स का सारा मैटर हमें जीएस में बहुत काम आता है। सो अब मेरी डिटेल स्ट्रैटेजी क्या थी कि जो पहले बेसिक बुक्स हैं जो कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पॉलिटी है, उसमें मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है लक्ष्मीकांत, उसको तो तुम अच्छे से याद कर लो क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रिलिम्स में और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को कभी मिस नहीं कर सकते। तो लक्ष्मीकांत, देन हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम रेफ़र की थी। बट क्या है, स्पेक्ट्रम के साथ साथ इस बार इस अटेम्प्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट पड़ गया था कि मैं थोड़ा गूगल पर सर्च करती रहती थी कि ये कमिटी है तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि वो अगर हम PYQs से एनालाइज करें वो काफ़ी पूछते हैं कि अगर तेज बहादुर सप्रू है, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन लिबरेशन कमिटी, तो ये सब हम खुद से सर्च करते रहो। कोई भी कमिटी आती है, हिंदू मजदूर सभा आ रही है, तो जस्ट सर्च फॉर इट कि अच्छा वो क्या थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो समवेयर सम टाइम इट कैन हेल्प यू इन प्रिलिम्स। तो और हिस्ट्री के लिए ही हो गया। एंशिएंट और मिडिवियल के लिए मैंने इस बार मेहनत ज़्यादा की थी, मैंने तमिलनाडु के NCERT अच्छे से की थी, और जो भी प्रिलिम्स के मॉक टेस्ट थे विजन वाले उसमें मैंने काफ़ी सारा मैटर ऐड कर लिया था और उससे मेरी एक ब्रॉडर कवरेज हो गई थी आर्ट एंड कल्चर के लिए। देन अपना फिर आ जाता है आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बुक है, उसमें से मैंने कुछ कुछ जो रट्टे वाले पॉइंट्स हैं लाइक डांस है या फिर थिएटर फॉर्म है, तो वो मैंने पेजेस पे कंसोलिडेट कर लिया था ताकि मैं एंड टाइम पे वो पेजेस बारी बारी पढ़ती रहूँ और वो टर्म्स मुझे याद रहें। तो जितने हम नोट्स को रट्टे वाली चीज़ों को ना एक साइड लिख लीजिए ताकि वो हम एंड में प्रिलिम से 3 दिन पहले 4 दिन पहले रिवाइज कर पाएँ। फिर स्टैटिक सब्जेक्ट आ जाती है अपनी इकोनॉमिक्स। तो इकनॉमी के लिए मैंने श्री राम IAS के एक बार नोट्स पढ़े थे और मेरे विजन IAS के कोचिंग के नोट्स थे। बट उसमें मैंने फिर जो PT 365 होती है और मंथली होती है उससे मैंने रीसेंट एडिशंस ऐड की कि RBI ने क्या इनिशिएटिव निकाला है, और उसमें बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर सेंट्रल डिजिटल करेंसी है तो वो क्या है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम UPI पेमेंट्स, इज़ इट अ लीगल टेंडर,
वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्योंकि यूपीएससी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, वो तुम्हें उसकी फैक्ट बेस्ड नहीं जाएगा इतना, तो उस तरह से प्रिपेयर करो कि हमारे बेसिक कंसेप्ट्स कवर हों। सो दीज आर द मेजर स्टैटिक, बट फिर करंट वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एनवायरमेंट के लिए जैसे मेरा बायो का बैकग्राउंड है तो मुझे बहुत डिटेल में नहीं मैंने किया, तो एनवायरमेंट के लिए एक शंकर आईएएस की बुक मैंने ज़रूर की थी, उसमें तुम्हें एक्ट्स, कन्वेंशंस, बेसिक कंसेप्ट्स वो सब क्लियर हो जाते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो मैंने जो करंट अफेयर्स आती हैं मैंने वही की थी रेगुलरली फॉलो। सो दीज वर माई बेसिक रिसोर्स लिस्ट। रिसोर्स लिस्ट तो सबके पास अवेलेबल होती है, बट उसको ढंग से मैनेज करना, उसमें से क्या क्या पढ़ना है वो ज़रूरी है। तो क्या पढ़ना है, दैट विल कम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसमें वी हैव टू एनालाइज कि भाई वो क्या क्या पूछते हैं। लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो उसमें दे विल आस्क द कंसेप्ट्स, थोड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे जाएंगे, 5G वेव्स, तो वो सब हमें थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। एनवायरमेंट है, वो स्पीशीज पूछेंगे, उनके IUCN स्टेटस, थोड़ा वो तो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो PT365 में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होता है, तो वहाँ से करो। तो उससे हमें आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। देन दीज आर द बेसिक रिसोर्सेज। तो अब मैंने उन इस चीज़ों को 2.5 मंथ्स में कैसे एनरिच किया। तो फर्स्ट मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले स्टैटिक सब्जेक्ट्स रिवाइज करूँगी और उसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट मॉक टेस्ट लिखूँगी विजन IAS के। तो जैसे कि मैंने 4-5 दिन में पॉलिटी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत कर ली अच्छे से, तो मैंने एक दिन लगा के उसके 2 या 3 टेस्ट विजन के जो स्टार्टिंग वाले होते हैं मैंने वो अटेम्प्ट किए। उससे क्या हुआ कि मुझे समझ आ गया कि मेरे कौन से कंसेप्ट्स अभी लैकिंग है या मैं किस चीज़ में गलती कर रही हूँ। एंड ऑल्सो आई मेड श्योर कि जो मेरी गलतियाँ हैं आई रोट इट इन अ सेपरेट नोटबुक। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। देन फिर मैंने अपना जैसे हिस्ट्री पढ़ ली, आर्ट एंड कल्चर मीडियल पढ़ी, तो उसके टेस्ट लिखे, टेस्ट के साथ साथ मैंने अपनी गलतियाँ नोट डाउन की, एक्स्ट्रा मैटर ऐड किया, तो इससे मेरी फर्स्ट रिविजन हुई। फिर साथ में मैंने करंट अफेयर स्टार्ट कर ली, जैसे न्यूज़पेपर तो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, बट उसके साथ साथ अभी PT365 आ जाती है तो वो एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकनॉमी, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, साथ साथ पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर भी हम ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। तो उनकी मैं ऐसा नहीं करती थी कि बस पढ़ ली, वो मैं अच्छे से एनालाइज करती थी। सपोज साइंस एंड टेक का 5G वेव्स है तो मैं उसका फिर अच्छे से पढ़ूंगी नेट पे कि क्या न्यूज़ में है, कौन सा कंसेप्ट है, तो थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए कि हल्का हल्का सा उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। एनवायरमेंट है, उसका मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करती थी PT365 से। कोई भी स्पीशीज़ है थोड़ा मैं उसको इंटरेस्ट से पढ़ लेती थी कि अच्छा ये क्या होता है क्या होता है, क्योंकि UPSC थोड़े एब्सर्ड क्वेश्चंस पूछने लग गया है तो हमें उसके लिए भी कवर अप थोड़ा करना पड़ेगा। और फिर इनके सब्जेक्ट्स के साथ साथ भी मैं मॉक टेस्ट लिखती थी सब्जेक्ट वाले, जैसे कि एनवायरमेंट किया तो एनवायरमेंट के 2 टेस्ट हैं वो मैंने करे, उसमें बहुत मैटर एडिशन मिल जाता है कि कौन सा न्यू लॉ आया है, कौन सा एक्ट चेंज हुआ है, क्या अमेंडमेंट्स हैं, देन यू शुड राइट इट ऑन अ नोटबुक। तो ये मेरी एक फर्स्ट रिविजन हो जाती थी विद इन 30 डेज, एक फर्स्ट 30-40 डेज एक फर्स्ट रिविजन ये वाली कर लीजिए। सेकेंड रिविजन में अब हमें एक तो सारा सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं और साथ में फुल लेंथ की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो जैसे कि अगर मई एंड में मेरा प्रीलिम्स था तो अप्रैल से आई स्टार्टेड थोड़े थोड़े फुल मॉक टेस्ट, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट अभी वीक चल रहा है। तो जब सब्जेक्ट वाले हो गए मॉक टेस्ट, देन यू स्टार्ट डूइंग द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और साथ साथ में सेकेंड रिविजन चलेगी उसका भी सेम पैटर्न। रिविजन कीजिए, फुल मॉक टेस्ट कीजिए, उसका एनालाइज करो, गलतियाँ अपनी सेपरेट कॉपी में लिख लीजिए, तो उससे हमें इन्हांस होता रहेगा, हमारा कंटेंट भी, हमारी रिविजन भी, और हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होते रहेंगे। देन कम्स द लास्ट थर्ड रिविजन विच कम्स इन द लास्ट मंथ। तो मैंने एक थर्ड रिविजन किया था, सारा जो मेरा PTs हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, सारे मॉक टेस्ट हैं, उनकी मिस्टेक्स, माई एनालिसिस पार्ट, वो सब मैंने रिवाइज किया था इन द लास्ट मंथ। तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फुल मॉक टेस्ट मैंने एंड तक अराउंड 20-25 सिर्फ फुल मॉक टेस्ट कर दिए थे, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, सो जस्ट गो विद द कॉन्फिडेंस। और प्रीलिम्स एक ऐसा एग्ज़ाम है, हम जितनी मर्जी तैयारी कर लें एंड में ऐसा ही लगता है कि यार अभी मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी अपने आप पे उस टाइम पे भरोसा रखो कि नहीं यार मैंने मॉक्स किए हैं, मैंने रिविजन किया है, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। तो जस्ट गो विद द कॉन्फिडेंस कि आई विल बी द मोस्ट, मतलब मैं ऐसी पर्सन होंगी वहाँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा आता है तो मैं टैकल कर लूँगी, अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो ये दूसरे को भी नहीं आता है, तो उस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। तो प्रीलिम्स में मेरा ये बेसिक स्ट्रैटेजी रहा है। तो लाइक
थ्री टाइम्स मेरा पीटी हो गया, थ्री टाइम्स स्टैटिक हो गया है, मॉक्स हो गए हैं 40 to 50, उससे ज़्यादा तो आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे तो फिर एंडलेस है काम. सो जस्ट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द स्पेसिफिक पार्ट. रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन इज द की. प्रिलिम्स इज एन एग्जाम जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, तो हमें लगता है कि मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं, मॉक्स में अभी तो ऐसा नहीं लग रहा तैयारी हुई है, तो उससे डील करना बहुत ज़रूरी है. प्रिलिम्स में पढ़ने से भी ज़्यादा तुम्हारी मेंटल स्टेट शुड बी स्टेबल. तो बहुत हाइज और लोज आते थे प्रिलिम्स से पहले तो स्पेशली. तो उसके लिए ये करती थी मैं कि एक तो मैं पॉजिटिव अफर्मेशन करती थी बहुत. मैं कॉपी पे लिखती रहती थी कि मैंने ये कर लिया है तो मेरा नहीं रुक सकता है. देन मैं लिखती थी कि नहीं, मैं और पढ़ूंगी, कल से मैं और अच्छे से पढ़ूंगी. फिर मैं अपने किसी कज़न से बात कर लेती थी, अपने गाइड मेरे सीनियर्स हैं उनसे बात कर लेती थी. तो दे ऑल्सो केप्ट ऑन री एनफोर्सिंग कि नहीं, हमारी भी सिचुएशन ऐसी ही थी. जो मेरे IAS फ्रेंड हैं, विशाली है, खुशबुदी हैं, तो दे यूज़ टू से कि यार हमारी भी ऐसी ही होती थी, तुम्हारी सही चल रही है. सबके साथ यही होता है, एवरीवन इज इन द सेम बोट. किसी की तैयारी कोई परफेक्ट नहीं हो सकती. तो उससे तुम्हें बूस्ट मिलता था. फिर अगर तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो बुक्स को थोड़े टाइम के लिए साइड रख दीजिए. वो बाहर जाओ, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो करो. अपनी थोड़ी हॉबीज़ भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहो. जैसे मेरा एक्सरसाइज है या डांस का है, तो मैं साथ साथ 40 to 45 मिनट्स उसको भी डिवोट करती थी. तो आई थिंक हमेशा एक मोटिवेशन के लिए ये सब हमें करना चाहिए. उसके बाद मेरे स्टडी पार्टनर है डॉक्टर नितिश, तो उनके साथ भी जब हम साथ में थोड़ा बहुत डिस्कस करते थे, एक डिस्कशन पार्टनर अगर हमारे पास है तो वो बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि उससे लोस कम आते हैं. हमने डिसाइड कर लिया कि हमें हिस्ट्री इकट्ठे पढ़नी है, तो हम उससे क्वेश्चंस पूछ लेते थे एक दूसरे से, तो उससे हमें एक मोटिवेशन बनी रहती थी. तो आई थिंक दिस वाज कि हाउ आई डेल्ट विद माय लोस, और अपने फ्रेंड से बात करती थी. तो यही था. और आई थिंक एक मोटिवेशन हमारी अगर अंदर से स्ट्रांग है तो हम उसको डेफिनेटली करते हैं. तो प्रिलिम्स को एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह लो, बट उसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करना चाहिए. ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार बस हफ्ता दे दे, दो हफ्ते दे दिए. वो आता है जब हम इंटरव्यू स्टेज तक आ जाते हैं और हमारी एक ऑलरेडी एक बेसिक लेवल अच्छा होता है. दिस आई एम टॉकिंग फॉर द बिगिनर्स, कि जिनको प्रॉपर 2 to 3 मंथ्स डेडिकेटेडली डिवोट करने चाहिए प्रिलिम्स के लिए. सो आई थिंक दिस विल हेल्प यू इन प्रिलिम्स. एंड अभी जैसे कि इस साल का एग्ज़ाम आया है, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस थे, एलिमिनेशन टेक्निक्स अब इतनी काम नहीं आ रही हैं. तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि अगर हमारा नॉलेज बेस थोड़ा वास्ट है और हमारी रिविजन्स स्ट्रांग है, तो एक तो हम स्टैटिक क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे. फिर हमारी जितनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है, दैट विल ऑल्सो हेल्प अस, कि हमें समझ थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है कि यार ये स्टेटमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रही है, तो ये गलत होगी, ये सही होगी. तो वो हम जितने मॉक टेस्ट करेंगे ना, हमें उससे समझ आता रहेगा कि यार ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है, ये स्टेटमेंट इतनी ठीक नहीं लग रही है. तो इन दी एंड तो 100 में से तुम्हें जिसमें मेरे 132 थे, तो उसमें मुझे अराउंड 40 क्वेश्चंस तो आते थे. बाकी सब तो तुम्हारा लॉजिकल गेसिंग होता है कि यार ऐसा, हाँ ऐसा हो सकता है. इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि कॉफ़ी बोर्ड का क्वेश्चन था, तो उन्होंने बोला कि कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट, तो या कहीं और. तो मुझे लगा कि यार कॉफ़ी जो है दैट इज़ मोस्ट, जो स्टेट है दैट हाइएस्ट प्रोड्यूसेस इन कर्नाटका. तो आई थॉट कि इट वॉन्ट बी इन नॉर्थ, ये मोस्टली साउथ में ही होना चाहिए. तो इस तरह से मैंने वो सोचा कि नहीं, ये साउथ में होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. और फिर मैंने आके देखा तो वो एक्चुअली कर्नाटका में ही था. तो ऐसे अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं कि भाई ये चीज़ यहाँ हो सकती है, इसका सरनेम ये है, तो ये नॉर्थ का लग रहा है, साउथ का लग रहा है, कोई भी चीज़, तो उस तरह से हमें थोड़ा प्रिलिम्स को डील करना है. अपनी कॉमन सेंस लगानी है बहुत ज़्यादा. तो उस एग्ज़ाम वाले दिन तो डेफिनेटली जो भी हमारा जितना हमारा मैटर है वो तो हमारे दिमाग में है, बट हमें अपनी कॉमन सेंस से वो एग्ज़ाम देना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ देना है. तो जो लास्ट के प्रिंसिपल्स हैं ऑन द डे ऑफ प्रिलिम्स, हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए कि हम 2 घंटे में पेपर अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं. तो पैनिक नहीं होना चाहिए एंड में कि यार हमारे क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चंस रह गए. जितनी आपकी स्ट्रैटेजी है कि हमें 80 करने हैं, 90 करने हैं, 95 करने हैं, तो वो डेफिनेटली ऑन द फाइनल डे करने ही हैं. मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं फर्स्ट आवर में एक बार पेपर पूरा करके, लाइक 1 आवर 10 to 20 मिनट्स में मैं 30 to 40 क्वेश्चंस मार्क कर लेती थी अराउंड 100 में से. फिर मैं अपनी सेकंड रिवीजन पे आती थी, सेकंड टाइम में मैं रेस्ट 40 टू 50 करती थी, और फिर मेरे एंड में रह जाते थे 10-15 क्वेश्चंस. और मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मेरे को 95 तो मिनिमम करने हैं, वरना मेरा प्रिलिम्स नहीं क्लियर होगा. तो मैं लास्ट में फिर जो तुम्हारी गेसिंग होती है वो करती ही थी. वैसे 10 क्वेश्चंस है, तो उनमें से 5-6 वो मेरे गेस वर्क होते थे, क्योंकि अगर तुम्हारा 4 में से एक भी सही हो गया तो तुम इक्वल हो जाओगे, दैट यू वोंट बी एट लॉस. तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा. तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी, और आप भी इसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. प्रीलिम्स के लिए सबकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं,
तो इसमें से आपके लिए जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं आप ले सकते हैं, और बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसमें भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगी। सो आई होप इट हेल्प्ड यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ गिव दिस एग्ज़ाम विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, विद लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि टाइम लग जाता है। बट ये ज़रूर याद रखना दैट डिलेज आर नॉट डिनाइल्स, ज़रूर मिलेगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और थैंक यू सो मच DKT फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट, टू शेयर माई स्ट्रैटेजी, एंड प्लीज़ इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।